नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डिविडेंड डिक्लेयर स्टॉक लिस्ट, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने की डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और जिनकी एक्स डिविडेंड डेट अप्रैल और मई में है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हम उन स्टॉक्स की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पिछले 5 सालों में उसने और उन कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी एनालिसिस कर लेंगे कि क्या ये स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हम लोग दोस्तों वीडियो बनाते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो दोस्तों इसमें एफर्ट लगते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों इसमें, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत ही बड़ी एक कंज्यूमर फूड सेक्टर में काम करती है, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है दोस्तों, एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और साथ ही साथ इसके ब्रांड है दोस्तों जैसे नेस्कैफे, मैगी, किटकैट, कैपेचिनो, काफ़ी बड़े बड़े इसके ब्रांड है। मैगी तो दोस्तों हर घर में बनती है और एक हाउस होल्ड आइटम है दोस्तों आज की डेट में। चलिए इसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इसका 1,51,070 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है दोस्तों 76 का। ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों काफ़ी हाई है, मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ इसके बारे में कि इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी हाई है दोस्तों। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 15,668 रुपये। आर ओ सी ई दिया है दोस्तों इसने 70.9% का, जो कि बहुत ही हाई है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है एक अच्छी कंपनी का और बहुत हाई है दोस्तों। 52 वीक का हाई बनाया था दोस्तों इसने 16,839 और लो बनाया है 10,126, तो ये लगभग अपने 52 वीक के हाई के करीब है दोस्तों अभी। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे मार्केट में अभी क्या वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पे है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे, जितने भी स्टॉक के बारे में बताया था, सारे स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे ही थे, लेकिन यहाँ पे ये अपने 52 वीक के हाई पे है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है दोस्तों अभी। आरओई भी इसका दोस्तों 45.3% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों इसकी 0.38% है, बहुत कम है दोस्तों, 1% का मैं थ्रेशोल्ड मानता हूँ, वहाँ से ये बहुत नीचे है। अर्निंग पर शेयर 204 रुपये का है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब ये देख लेते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में किस तरह के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। पिछले 5 सालों में दोस्तों इसने, यहाँ पे आप देखिए, एक पहले 10 अप्रैल 2015 को ये ट्रेड कर रहा था 7,000 के करीब, और अभी ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों 15-16 हज़ार, यानी कि 5 साल पहले अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पे 2 लाख रुपए हो गए होते दोस्तों। तो 5 साल में ही आपके पैसों को डबल कर देता दोस्तों ये शेयर। अब ये देख लेते हैं कि डिविडेंड पर शेयर कितना डिक्लेयर किया है इसने। इसने दिया है दोस्तों 61 रुपये का डिविडेंड, और इसकी एक्स डिविडेंड डेट है 14 मई 2020, यानी कि 14 मई 2020 के दिन आपके पास ये शेयर होना चाहिए अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका प्रॉफिट और जो आरओई और आरओसी दिया था मैंने आपको, पिछले 3 सालों में इसने काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड करके रखा हुआ है, लेकिन जो कॉज ऑफ कंसर्न मैंने आपको बताया था कि इसका हाई पी ए, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 75-76 के करीब है, जो कि बहुत हाई है दोस्तों। मैं थ्रेशोल्ड मानता हूँ 25 का, कि 25 पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हाई है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जब ये अपनी इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जब इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, जब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो एटलीस्ट 40 तक आ जाए दोस्तों, तो वहां बाय किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं दोस्तों, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। आप लोगों को भी पता, अगर आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो इसके क्या बनाती है कंपनी, लुब्रिकेंट्स बनाती है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, दोस्तों दोनों सेक्टर के लिए बनाती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कंपनी है मार्केट लीडर है रिटेल ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट सेगमेंट में, इंजन ऑयल बनाती है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक सारे तरह के दोस्तों।
चलिए देखते हैं इसकी फाइनेंशियल हेल्थ। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 10,009 करोड़ रुपए का, तो एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों ये। और इस वीडियो की एक खास बात ये दोस्तों, जितनी भी ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन कंपनीज ने, तीन कंपनियां हैं। पहली कंपनी जो मैंने आपको बताई थी नेस्ले, वो एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी है जो दोस्तों कैस्ट्रोल, ये एक मिड कैप कंपनी है। और जो तीसरी कंपनी मैं आपको बताऊंगा वो एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों इसका 12 का चल रहा है, करंट प्राइस है 101 का, और आरओसी दिया है दोस्तों 100% का। ये चीज आप ध्यान में रखिए, आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 100% का है दोस्तों इसका। 52 वीक का हाई बनाया था 172 का, और लो बनाया है 89 का। तो ये जस्ट अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रही है, जहां पे कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें है अभी दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दोस्तों दिया है 65% का, ये भी काफी हाई है। जनरली दोस्तों 20% तक मैं रखता हूं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई दोनों चीजें कहां पे हो, 20% से ऊपर हो। यहां पे तो दोस्तों आरओसी 100% है और आरओई 65% है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है दोस्तों, डिविडेंड यील्ड का मेरा थ्रेशोल्ड है 1% का, और यहाँ पे हमें मिल रही है 2.97%। अर्निंग पर शेयर दोस्तों 8.3 का है। अब देख लेते हैं इसका 5 साल का डाटा और एक्स डिविडेंड डेट। 5 साल का डाटा ये है दोस्तों, 5 साल पहले ये ट्रेड कर रहा था लगभग 250 के करीब, और अभी ये गिर गिर के आ गया है दोस्तों यहाँ पे 90 के करीब, 100 के करीब। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहां से कि बाई किया जा सकता है और इसमें मुनाफा कमाया जा सकता है दोस्तों। डिविडेंड देख लेते हैं दोस्तों, पर शेयर 3 रुपए का डिविडेंड एक कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है, और एक्स डिविडेंड डेट है दोस्तों 22 अप्रैल 2020, यानी कि 22 अप्रैल के दिन आपके पास ये शेयर होना चाहिए अगर आपको डिविडेंड का फायदा उठाना है। तो इस तरह की कंपनियों में दोस्तों होता है क्या कि ये साइक्लिकल स्टॉक हैं, ये साइकिल के हिसाब से चलते रहते हैं। अभी क्या है कि जितने भी ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं सारी डाउन है, मेटल से रिलेटेड कंपनियां डाउन है, इनका साइकिल जब आएगा ये धीरे धीरे अप जाएंगी दोस्तों। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब मैं तो ये कहूंगा छोटा स्टॉक है, मिड साइज कंपनी है, और काफी अच्छे इसके ब्रांड है दोस्तों। कैस्ट्रोल ब्रांड तो पूरा फेमस ही है। अगर आप भी कहीं जाते हैं अपनी बाइक का सर्विसिंग कराने के लिए, कार की सर्विसिंग कराने के लिए, तो इंजन ऑयल अगर कोई पूछता है आपसे शॉपकीपर के कौन सा इंजन ऑयल डालो, तो आप पहले ही बोल देते हैं कि मुझे कैस्ट्रोल चाहिए। तो इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों इनका। तो यहाँ पे आप लोग बेट लगा सकते हैं अभी, और इसमें किस्मत आजमा सकते हैं दोस्तों अपनी। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, ये है केएसबी लिमिटेड। केएसबी लिमिटेड दोस्तों एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। और दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में। मार्केट कैप है दोस्तों इसका 1,408 करोड़ रुपए का, जो मैंने आपको बताया था एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है दोस्तों इसका 14 का, जो कि काफी अच्छा है। करंट प्राइस है दोस्तों 404 रुपए का। आरओसीई है दोस्तों इसका 16.12%। 52 वी का हाई बनाया था दोस्तों इसने 764 का, और लो बनाया है 386 का। तो ये कंपनी भी अपने 52 वी के लो पे ट्रेड कर रही है दोस्तों, जहां पे कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों इसका 10.7% का। इसका आरओसीई और आरओई दोनों थोड़ा लो है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1.98%, जो कि काफी अच्छा है, लगभग 2% की है। और अर्निंग पर शेयर है दोस्तों इसका 28 का, ये भी काफी अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ इस कंपनी में जो दो मेरे को इंडिकेटर थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न वाले लगे वो है दोस्तों, एक तो इसका आरओसी जो कि 16.12 है, और एक इसका आरओई जो कि 10.7% है दोस्तों। देख लेते हैं इसका पिछले 5 सालों का डाटा। 5 साल पहले ये ट्रेड कर रहा था लगभग 700 पे, और अभी ये गिर के आ गया है दोस्तों। ये जो करेक्शन हुआ है दोस्तों, यहां से मान लीजिए ये 700 पे ही ट्रेड कर रहा था लगभग, मतलब 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए थे, यहीं पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन जो मार्केट में करेक्शन हुआ है दोस्तों अभी कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से ये पूरा गिर चुका है और लगभग 400 पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि दोस्तों आने वाले समय में ये काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है ये कंपनी। चलिए डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है RS 8 का, जो कि 23 अप्रैल को ये देगी अपने शेयर होल्डर को, यानी कि 23 अप्रैल के दिन ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तभी जाके आप इस डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे दोस्तों। तो ये तीन वो शेयर थे जो कि एक लार्ज कैप था, एक मिड कैप था, एक स्मॉल कैप था दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने आपको इनकी एक्स डिविडेंड डेट बताई है, और ये बताया है कि कितना डिविडेंड ये अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी आप लोगों के साथ। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी दोस्तों, ये वीडियो जो था ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप लोगों को बाय करना है, सेल करना है, तो खुद के एनालिसिस कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो की भी हेल्प ले लीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।